प्रिंसेस बहनों को एक साथ समय बिताना बहुत पसंद है, पर जब से प्रिंस जॉनी किंगडम में आया है सब पूरी तरह बदल गया। देखो ये कितना हैंडसम है। वाह ये मेरे लिए है, शुक्रिया। पार्क में वॉक करना कैसा रहेगा? बदकिस्मती से रेचल अपनी बहन को भूल गई। बुरी क्वीन ने एक बुरा प्लान बनाया है। देखो ये कितने खुश हैं। उसे ये ठीक करना होगा। मरमेड ने बदला लेने का सोचा है। कुछ देर बाद वो रॉयल कैसल पहुंच गई। बढ़िया, पहला ट्रैप तैयार है। अब क्या करना है? खैर आप ऐसे बेड पर सो नहीं सकते। और ये स्काई की तरफ से सरप्राइज होगा। रुको, वहाँ क्या है? कितनी प्यारी बचपन की तस्वीर है। तुम इसे वापस दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तुम हो? हाँ, और ये मैं हूँ। तुम? हाँ मैं। हाँ हे भगवान। डार्लिंग मैं तुम्हें काफी समय से ढूंढ रही थी। आराम से किंग जॉनी। What? उसने देखा नहीं कि कहाँ जा रहा है हमेशा की तरह। ओह एक और ट्रैप। अरे यार जोर से लगी। इस पर ध्यान मत दो। तुम्हें याद है हम कितने मजे किया करते थे? प्रिंसेस साथ में रहा करती थी। वो टी पार्टीज भी करती थी। लेडीज आज हम रॉयल टी की खासियत को जानेंगे। सबसे जरूरी बात, जब आप कप उठाती हैं, तो अपने पिंकी फिंगर को बाहर निकालें। ऐसे। बहुत बढ़िया एलेक्स, वो बहुत जल्दी सीख गई। अब तुम मुझे दिखाओ कैसे करती हो। जब रेचल तमीज सीख रही थी तब उसकी बुरी बहन ब्लू से खेल रही थी। अब सारी उंगलियां कप में चिपक गई। ये काम नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। ओ नहीं, प्रिंसेस रेचल आसानी से एग्जाम में फेल हो गई। अब उनके रिजल्ट की बारी है। इस बार एलेक्स जीतेगी। उदास मत हो, तुम सीख जाओगी। क्या आपको पता है पुराने समय में खाते समय अपनी उंगली को बाहर रखकर खाना एक अच्छी तमीज हुआ करती थी, पर आजकल ये अजीब माना जाता है, तो ऐसा टेबल पर ना करें। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि प्रिंसेस की तरह कैसे चलते हैं, और इसमें मिस्टर बॉडीचली हमारी मदद करेंगे। अपने पोस्चर का ध्यान रखना। वाओ परफेक्ट रोल है। असली रॉयल लोग ऐसे चलते हैं। अब तुम्हारी बारी है। एलेक्स पहले जाएगी। यकीन नहीं होता, वो इसमें कमाल कर रही है। बहुत अच्छे। वाह उसे देखो, ये बुक इसके सिर से क्यों नहीं गिर रही? टीचर को ये पसंद आया। वाह ये शानदार था। देखो ये कितना बढ़िया है। इसे ट्राई करना चाहती हो? लगता है ये कुछ करने वाली है। ओह बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूब, तुम सही कर रही हो। ये नहीं, एलेक्स ने अपनी बहन को फंसा दिया। हे यंग लेडी, तुम क्या कर रही हो? क्या मैं देख सकता हूँ? तुम मुझे बुद्धू बनाना चाहती हो? तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। तुम्हें मुझसे उलझना नहीं चाहिए था। जीनियस, रेचल ने अपनी हील्स पर चलकर टीचर को खुश किया और दूसरा मौका मांगा। ये बहुत बढ़िया है, इस स्टार के तुम हकदार हो। हे, ये अवार्ड मेरा है। बहुत अच्छे, ये तुम्हारा हुआ।
वो अपनी बहन को फंसाना चाहती थी पर खुद ही फंस गई। हम रॉयल सिंगिंग सीखेंगे। वाह, स्नो व्हाइट को ऐसी सिंगिंग से जलन होगी। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे होता है। अब तुम्हारी बारी है। अच्छी कोशिश है एलेक्स, पर वो गाने से बर्ड्स का ध्यान नहीं खींच पा रही है। उदास मत हो, ये बाद में काम करेगा। और अभी रेचल की बारी है। हम इंतजार कर रहे हैं। बुरी एलिस ने इतना प्यार कैसे दिखा दिया। ठीक है, चलो वापस सिंगिंग पर आते हैं। इसलिए उसने अपनी बहन को सोडा दिया था। कितनी बुरी है। माफ करना, मैं ये जानबूझकर नहीं किया। क्या मैं एक बार और ट्राई करूं? ये देखो, ये बहुत अच्छा है। ये तो बिल्कुल एमटीवी म्यूजिक अवार्ड जैसा है। मैं खुश हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में इससे अच्छा गाना नहीं सुना। ये लो, रखो, ये तुम्हारा हुआ। वाह, फिर फेल हो गई, है ना एलेक्स? पत्थर फेंकने से एलेक्स शांत हो जाती है। वो कभी इतनी दुखी नहीं हुई। ही बहन, चिंता मत करो, तुम अगली बार कर लेना। अगर तुम चाहो तो सारे स्टार रख सकती हो। वाह, सच में ये मेरे हुए? शुक्रिया। बढ़िया, ये बहुत चमकदार था। वाह, ये कितना हैंडसम है। लड़कियां इसके अटेंशन पाने के लिए क्या करें? एलेक्स इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। पर रेचल हार नहीं मानेगी। ओ, कोई भी कोला के कैन को ना नहीं कहेगा। एलेक्स अगली चाल चलने वाली है। वाह, वाटर गन हर प्रिंस का सपना है। अब तुम क्या करोगी रेचल? ओरिजिनल? शायद दूसरी बार ये और स्वादिष्ट लगे। ये काम कर गया। एलेक्स और जॉनी को एक दूसरे से प्यार हो गया। बीच पर वॉक करना और एक दूसरे के साथ समय बिताना, इससे ये दोनों कभी बोर नहीं हो सकते। जॉनी रेचल के लिए किसी भी पाम ट्री से कोकोनट लेने के लिए तैयार है। कितना रोमांटिक है। अच्छा तो ये बात है। तब एलेक्स ने ओशन के अंदर अपना किंगडम बनाने का सोचा। उफ, मेरे साथ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारे ऊपर एक भयंकर श्राप डाल देती हूँ। समझी? ये लो। ओह, किंग बीच में आ गया। बिल्कुल नहीं, रेचल इसे नहीं छोड़ सकती। एक खतरनाक मैजिक पोर्टल। कौन जीतने वाला है? मैं ठीक हूँ। एलेक्स एक, रेचल एक। अब एलेक्स की बारी है। ओह, ये वापस कुछ बन गया। किंग को ये पसंद आया। वाह, ये बहने नहीं है बल्कि असली ग्लैडिएटर है। मैजिक काम करना बंद हो गया। मिस जॉनी से मिले। हाँ, और तुम? हे भगवान, क्या लुक है। ओह, रुको, तुम्हें हमेशा सब बढ़िया मिला है। मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। बहनों की लड़ाई हरिकेन से भी भयंकर है। कोई इसे रोको। शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। मैं आपको खुद से मिलाता हूँ। मैं मिस्टर कोनी जिंग हूँ, ट्रूम यूनिवर्स का सबसे कूल थेरेपिस्ट। जॉनी? मैं जॉनी नहीं हूँ। ये कैसे बकवास कपड़े हैं? हमने तुम्हें पहचान लिया। हाँ, हमें शांत होने की जरूरत है। क्या हो रहा है? चलो एक दूसरे की मदद करें। और क्या रिकंसिलिएशन सच में हुआ है? नहीं, मतलब ये क्वीन हार मानने को तैयार नहीं है। अब क्या करें? एक माहिर थेरेपिस्ट को पता है, प्यार दुनिया को बचा लेता है। अब उसे एलेक्स और रेचल को मनाना है। देखो, ये पूरा है, आधा है, पूरा है, आधा है। तो चीजें तब काम करती है जब वो साथ हो। समझ गए?
थोड़ा सा जादू और सब फिर से पूरा है। क्या? ठीक है, एक और बार। देखा, एक एक लकड़ी है तो इसे तोड़ना आसान है। पर अगर हम पूरे ब्रूम की बात करें तो ये नामुमकिन है। देखो कितना स्ट्रॉन्ग है। उप्स, फेल। एक साइकोथेरेपी का सेशन फेल हो गया। मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ। डॉक्टर को देखो, एलेक्स और रेचल जॉनी की वजह से गुस्से में है। इस होशियार लड़के को देखो। रुको, बहनें फिर से हंस रही हैं। और ये रही सारे फसाद की जड़। क्या ये बुके रेचल के लिए है? बिल्कुल नहीं। ये फ्लावर सुंदर एलेक्स के लिए है। मुझसे शादी कर लो। हे मेरा, क्या क्या हो रहा है? तुम्हारा क्या करें? यकीन नहीं होता। थेरेपिस्ट कोनी बिल्कुल किंग जैसा लगता है। शानदार। यस। खैर, ये गुड बाय कहने का समय है। रेचल ने अपनी बहन को जॉनी का दिया हुआ फेवरेट एग गिफ्ट में दिया। अब कपल का अंडरवाटर किंगडम में जाने का समय हो गया है। मेरे पास तेल नहीं है। अब उसके पास तेल है। मॉमेट बहुत स्टाइलिश है। वाह, मैंने हमेशा से इसका सपना देखा है। हर लड़की के पास अपना किंगडम और अपनी किस्मत है। पर प्यार उन्हें करीब ले आया।